बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह ने नामांकन किया है हुसैनाबाद विधानसभा सीट से। पर्चा दाखिल किया कमलेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ। नॉमिनेशन करने के लिए कमलेश पहुंचे हुए हैं। चुनावी सभा में हिमंता बिस्वा सरमा भी मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? देखिए, हमारे साथ सीधे कमलेश सिंह हुसैनाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, आज एक बड़ा दिन होता है किसी भी प्रत्याशी के लिए आज का। हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और एक सिपाही के रूप में हमने आज यहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल किए हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की पूरे राज्य में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो झारखंड अति पिछड़ा हो गया था हर चीज़ में, विकास में तो नाम ही मत लीजिए, जो भी चीज़ में है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में एक खुशहाली की नई लहर होगी। कमलेश जी, ये जमीन आपकी रही है। 2005 में आप पहली बार जीत कर आए एनसीपी की टिकट पर, 2019 में आप जीते एनसीपी की टिकट पर, इस बार बीजेपी की टिकट पर हैं आप चुनावी मैदान में। ताकत दुगनी हो गई आपकी? ताकत दुगनी भी हो गई है, जोश भी बहुत हो गया है। यह राष्ट्रीय पार्टी बहुत भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और अभी तो हम बोले कि इसका सिपाही होने में हमें नाज है। भारतीय जनता पार्टी का जब सिंबल होता है तो गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है। 1990 के बाद बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुला, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी को? बीजेपी का खाता पूरे झारखंड में खुलेगा और खास करके हमारा पलामू कमिश्नरी में 9 सीट बीजेपी काफी बहुमत से जीत कर जाएगी। बीजेपी के ऐसे कई चेहरे हैं जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने आप पे भरोसा जताया। अब ये खबरें निकल कर आ रही है कि वो चेहरे निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकता है उन चेहरों से मुकाबला? देखिए, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। आगे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय अमित तिवारी जी, हमारे पर्यवेक्षक जवाहर पासवान जी, हमारे यूपी से आए हैं लाल बाबू, सभी लोग जो हैं उन्हें उचित राय देने की कोशिश कर रहे हैं और समझदारी से काम लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में सब कोई उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टिकट एक क्यों मिलता है, लेकिन जो भी निर्णय होता है वह सभी को मान्य होना चाहिए। आखिरी सवाल, 2019 के मुकाबले इस बार का मार्जिन क्या होगा? देखिए, 19 में हम 11,000 से जीते थे, आरजेडी को हराए थे। हमको अंदाज है कि इस बार 25,000 से ऊपर से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चूंकि नामांकन के बाद अब इनको सभा में भी जाना है। निशु, बैक टू यू। बिल्कुल राकेश, इनकी कार्यक्रम भी है। फिलहाल कमलेश सिंह ने नामांकन कर दिया है, काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हुसैनाबाद सीट से नामांकन किया है कमलेश सिंह ने। बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलेश सिंह। पर्चा भरा इन्होंने और इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इनके साथ में हिमंता बिस्वा सरमा भी जनसभा में रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह ने नामांकन किया है। बीजेपी के प्रत्याशी है हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, इन्होंने नामांकन किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे, काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। हालांकि उम्मीद है कि बीजेपी को हुसैनाबाद की जनता सर आंखों पर रखेगी। काफी उत्साहित नजर आ रहे थे कमलेश कुमार। और इसके बाद उनके कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो हुसैनाबाद में कमल खिलाने की पूरी तैयारी है। जनता से भी अपील है इनकी कि बढ़ चढ़ के वोट करें और हुसैनाबाद में कमलेश कुमार सिंह को वोट करें और कमल खिलाएं। हालांकि हमारे सहयोगी राकेश से जब पूछा कि क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा, तो इन्होंने कहा कि झारखंड में हर जगह पर कमल खिलेगा। तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह ने हुसैनाबाद सीट से नामांकन किया है। हुसैनाबाद विधानसभा सीट से दाखिल किया है इन्होंने पर्चा। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए थे कमलेश सिंह नॉमिनेशन करने के लिए। उसके बाद चुनावी सभा में पहुंचेंगे, इनके आगे के भी कार्यक्रम हैं
और इस सभा में, इस कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा सरमा इनके साथ रहेंगे। तो नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया है। और फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन की अगर बात कर लिया जाए तो महज 3 दिन ही बाकी हैं पहले फेज के लिए। आज ताबड़तोड़ नामांकन चल रहा है। हुसैनाबाद से कमलेश सिंह ने नामांकन किया है और एक एक करके तमाम प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन कर रहे हैं। बता दें आपको कि गढ़वा से सत्येंद्रनाथ तिवारी ने भी नामांकन किया है। एक एक करके सभी प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कमलेश सिंह ने नामांकन किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।